गाइस वेलकम टू इंडियन फूडीज। मैं नेहा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ इंडियन फूडीज में, और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो फ्रूट आइसक्रीम है, और इसको व्रत में खाया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आधा केजी के लगभग मिल्क लिया है, ये मेरे फुल क्रीम मिल्क है। तो अब मैं इसे, हमारे एक बॉयल आ चुके हैं, इसमें मैं थोड़ा सा शुगर ऐड करती हूँ। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा रखिएगा, आपको जितना पसंद है। मैं 1.5 चम्मच डालती हूँ और इसको मैं कंटिन्यू मिक्स करूँगी। मेरे मिल्क बॉयल हो गए पूरी अच्छी तरह से, और ये थोड़े भी हो गए हैं कुछ कम। तो अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा मिल्क पाउडर, ये 1/4 कप है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और स्वाद भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। आप शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा हल्का। इसे केसर के कुछ दाने डालूंगी और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो आप इसमें ऐड कर लेना। और अब मैं इसे कंटिन्यू फिर चलाऊंगी करीब 3 मिनट तक। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मेरे मिल्क 2 मिनट में रेडी हो जाएंगे। और मैंने व्रत के लिए ऑलरेडी पहले से साबुनदाने की टिक्की और साबुनदाने का सूप बना के रखा है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। को अब हम बंद कर देते हैं और इसे थोड़े देर के लिए ठंडा करने देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मुझे फ्रूट्स पसंद है वो मैंने बिछा दिया, आपको जो पसंद है वो बिछाइए। और साथ में अब मैं इसमें वो दूध के मिल्क के जो मैंने बैटर तैयार किए थे उसको मैं ऐड कर देती हूँ, और ये 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो इसके बाद फ्रिज में 4 घंटा रखने के बाद हमारे आइसक्रीम कुछ इस तरह से लगेंगे, और देखिए ये कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब मैं इन्हें सर्व करने के लिए रखती हूँ। आइसक्रीम को सर्व कर लिया है फ्रेंड्स, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन दबाएं ताकि जो भी मैं बनाती रहूँ वो आपको अप टू डेट मिलता रहे। और कमेंट्स करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आप भी इसको घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू सो मच।